और ग्रेटर नोएडा की जो सिचुएशन आज के दिन है, ये 130 और 80 की फिगर तो आपके सामने है। मैं अपने ग्रामीण भाइयों की पीड़ा को जानते हुए, इंडस्ट्री की पीड़ा को जानते हुए, रेजिडेंट की, हम लोग करीब करीब 10 से 12 घंटे अंधेरे में रहते हैं इस देश में। आज यहाँ ग्रामीण योजना इलेक्ट्रिफिकेशन की है, वहां पर ग्रेटर नोएडा के जितने भी गाँव में नया इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, आज के दिन किसी को नहीं आता। आज 45 मेगावाट एमपीसीएल को पावर मिल रही है यूपीपीसीएल से। उनकी अपनी जनरेशन 6 साल में 93 के बाद 99 में चालू हो जानी चाहिए थी। आज हम 10 साल बाद भी बात कर रहे हैं, उनका 1 मेगावाट की अगर जनरेशन हो तो एमपीसीएल काम नहीं कर सकता, वो बताए। आज उनकी अपनी लाइन कौन सी उन्होंने डेवलप की है हाईटेंशन की, क्या वो बता सकते हैं? आज भी 132 की लाइन जो है वो सूरजपुर की यूपीपीसीएल की वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एनपीसीएल को अगर लाइसेंस दिया गया बहुत अच्छा था, मगर हम लोग एनपीसीएल के कारण इस शहर में, जिस शहर का विकास नोएडा और ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद और सिकंदराबाद की तरह, ये ट्विन सिटी है। अगर ग्रेटर नोएडा का विकास नहीं होगा तो नोएडा का विकास क्यों नहीं होगा? साथ साथ अगर शहर का विकास नहीं होगा तो ना गाँव का होगा ना इंडस्ट्री का होगा। आज हम बात करते हैं 50,000 करोड़ रुपया इस सेक्टर में लाने की, पूरा आगरा डेवलप करने की बात करते हैं। अगर फेडरल लाइसेंस की जब व्यवस्था है, हमारे पहले नहीं थी, 2003 में जैसा कि बताया गया है, इसके पहले भी 5 अगस्त 2005 में रिलायंस को जब फेडरल लाइसेंस की सुनवाई में हाजिर था, मैंने रिकमेंड किया था कि यस फेडरल लाइसेंस होना चाहिए, ताकि हम जैसे कंज्यूमर गाँव वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, हम लोग हैं, हम लोगों के पास वो च्वाइस हो कि ये अच्छा सप्लायर है, इससे नहीं बिक्री, ये खराब सप्लायर है, इससे बिक्री नहीं है। आज कनेक्टेड रोड की सब समस्याएं थी, आज मैं समझता हूँ उन्होंने 300-350 मेगावाट के लोगों से पैसे ले रखे हैं, सेंट्रल रोड के 130 मेगावाट की सप्लाई का प्रॉमिस करते हैं, 70-80 मेगावाट पावर नहीं दे पाते। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरी सब, मैं शॉर्ट ऑफ टीम में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज डिटेल में मैं आपकी बोलना चालू करूंगा, शाम तक तो नहीं होगी। मैं ये चाहूंगा सर कि ये क्योंकि इसमें सरकारी पैसा भी लगा हुआ है, एनपीसीएल में उन्होंने रिकमेंड किया है 100 रुपये, मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि यूपीपीसीएल पैरेलल लाइसेंस में सरकारी दे, ताकि